इस वक्त की एक बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है हिमाचल में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में 6 महिलाएं जिंदा जल गई। ब्लास्ट के बाद लगी आग और 14 अन्य लोग भी घायल हुए। 80% तक जली 10 महिलाएं चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विभाग ने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि बिना NOC के चल रही थी फैक्ट्री। फैक्ट्री स्वां के एक छोर पर थी जहां पानी का कनेक्शन भी नहीं था, जिसकी वजह से किसी की भी जान नहीं बचाई जा पाई। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में मंगलवार सुबह एक अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद आग लगने से 6 महिलाएं जिंदा जल गईं। टहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र के बाथड़ी में सुबह करीब 10:15 पर हादसे में 18 महिलाएं समेत कुल 20 मजदूर आग की चपेट में आए, जिनमें से 6 महिलाओं की जिंदा जलने की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में ऊना में भर्ती कराया गया, जहां 10 बेहद गंभीर मामलों को PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। उधर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुई फैक्ट्री हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मृतकों और घायलों में कुछ मजदूर UP के और कुछ बिहार के और एक पंजाब से है। तो लगातार आज का दिन 22 फरवरी के दिन लगातार 2 बड़ी घटनाएँ निकल कर सामने आए। सुबह देखने को मिला उत्तराखंड में एक कार जो है खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 14 लोगों की मौत हो गई जो बारात से लौट रहे थे। और अभी अभी जो बड़ी घटना निकल के आ रही हिमाचल प्रदेश से, जो दिल दहला देती है कि 6 महिलाएं जिंदा जल गई और कोई उन्हें बचा तक नहीं पाया। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचाएं ताकि सबके पास जानकारी पहुँच सके।